अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। सुरक्षा एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी देविंदर सिंह के रिश्तेदारों, एक बैंक ऑफिसर और एक डॉक्टर के घर पर छापामारी की है। सूत्रों के मुताबिक इस छापामारी में सेना के 15 कोर के पूरे नक्शे के साथ 7.5 लाख रुपए व भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि देविंदर सिंह ने अपने रिश्तेदारों के घर पर पैसा छुपा कर रखा है। सुरक्षा एजेंसियां भी पूरे इलाके पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन कैमरे का सहारा ले रही हैं। वहीं इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारियों का देविंदर सिंह के आवास पर मंगलवार को चौथे दिन भी तलाशी अभियान जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि सिंह के इंदिरा नगर स्थित आवास और उसी इलाके में अधिकारी के एक निर्माणाधीन मकान की भी तलाशी ली गई है। एक अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फिलहाल उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी। बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को ले जाने के लिए सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि सिंह एक रिश्तेदार के घर पर रह रहा था, जहां उसने दोनों आतंकवादियों को कथित तौर पर रात भर रखा था। पुलिस ने सिंह को शनिवार को कुलगांव के मीर बाजार क्षेत्र से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों नावीद बाबा और अल्ताफ के साथ पकड़ा था। आतंकवाद इस गठन के सक्रिय सदस्य के रूप में काम करने वाले एक वकील को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधिकारी से विभिन्न सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के जवान पूछताछ कर रहे हैं। सिंह श्रीनगर हवाई अड्डे पर अपहरण रोधी दस्ते में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। निशाने पर थे जम्मू, पंजाब और चंडीगढ़। वहीं नावीद ने पूछताछ में कश्मीरी आतंकवादियों के फंडिंग के बारे में कई अहम जानकारियों का खुलासा किया है। उसने कहा है कि यह पैसा स्थानीय स्तर पर इकट्ठा किया जाता है। जांच एजेंसियों ने हथियार सप्लायर और कोरियर के बारे में भी जानकारी दी है। एजेंसियों को पता चला है कि देविंदर सिंह आतंकियों के साथ मिलकर न केवल दिल्ली को दहलाने की कोशिश रच रहा था, बल्कि उसके निशाने पर जम्मू, पंजाब और चंडीगढ़ भी थे। DSP कर रहा था कई नंबरों का इस्तेमाल। यह जानकारी भी सामने आई है कि DSP देविंदर सिंह आतंकियों से बात करने के लिए कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। इन सभी नंबरों की जांच की जा रही है। इन नंबरों से फोन कॉल की डिटेल खंगाली जा रही है। साथ में सोशल मीडिया के जरिए कई अहम जानकारियों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है।